मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटों में से 28 पर भाजपा काबिज है। अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के कब्जे वाली एकमात्र छिंदवाड़ा सीट पर भाजपा अमेठी जैसा रिजल्ट लाने की प्लानिंग कर रही है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री और छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने चर्चा में दावा करते हुए कहा कि आने वाले समय में छिंदवाड़ा में नकुलनाथ और कमलनाथ वैसे ही चुनाव हारेंगे जैसे अमेठी से राहुल गांधी हारे थे। अटकलें हैं कि भाजपा यहां से अपनी राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार को टिकट दे सकती है। कमल पटेल ने कहा, छिंदवाड़ा के सातों विधानसभा क्षेत्र हम जीतेंगे और लोकसभा सीट जीतकर कमलनाथ और कांग्रेस का सफाया करेंगे। कविता पाटीदार के छिंदवाड़ा में मेहनत कर रिजल्ट कैसे आएंगे इस पर पटेल ने कहा कि रिजल्ट अच्छे आएंगे, क्या कविता पाटीदार अमेठी जैसा सीन दोहरा देंगी? इसके जवाब में उन्होंने कहा, बिल्कुल। दरअसल भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार पिछले कुछ महीनों से लगातार छिंदवाड़ा जिले में एक्टिव हैं। पार्टी उन्हें यहां से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बना सकती है। अमित शाह की सभा के पहले कविता पाटीदार ने छिंदवाड़ा जिले के गांव-गांव और शहरों के वार्डों में घूम घूम कर सभा में लोगों को जुटाने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। बताया जाता है कि शाह की सभा में भीड़ जुटाने और सभा को कामयाब बनाने के लिए पाटीदार उस दौरान 24 घंटे में से महज 3-4 घंटे सोती थी। कविता मालवा में ओबीसी का बड़ा चेहरा है। वे सुंदरलाल पटवा की सरकार में मंत्री रहे भैरूलाल पाटीदार की बेटी हैं और इंदौर जिला पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी हैं। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी।